दोस्तों, आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ खजूर की रेसिपी। ये एक स्वीट होता है, ये खस्ता मीठी रेसिपी होती है, आप ज़रूर इसको बना के खाइएगा। इसकी रेसिपी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये है खजूर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी यूनिक सिंपल रेसिपीज़ आप तक लाता रहूँ। और इस रेसिपी की पूरी विधि यानी कि कंप्लीट रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हमको चाहिए मैदा आधा केजी, तो शक्कर है पाव केजी ली है हमने, और इसको डालडा लगेगा 80 ग्राम तकरीबन, जो तिल है 100 ग्राम, ये तिल अप्लाई करने के लिए होगी 100 ग्राम। इसमें लगेंगे 3 से 4 अंडे, और ये है दोस्तों दूध पाउडर, मिल्क पाउडर लगेगा 50 ग्राम। ये 3 से 4 अंडे लगेंगे। ये है नमक, हमने लिया है आधा टीस्पून, और ये बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। इसमें तेल लगेगा जितना फ्राई करने के लिए लगेगा तेल, और साथ ही साथ इसको हमको सूजी भी लगेगी 200 ग्राम इसके ये डिश के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम हमारे जो शक्कर है, शक्कर को हम पीस लेंगे, बहुत बारीक पीसना है हमको। ये देखिए हमने शक्कर पीस ली है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे अंडे हैं 4 हमने जो लिए हैं, उनको भी हमको फेंटना है। आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं उसको, पर यहाँ पे हमने उसको मिक्सर में फेंट लिया है। इस तरीके से हम उसको जो अंडों को फेंट लेंगे। दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स देखिएगा। ये देखिए हमने फेंट लिया है हम, और हमने मैदा जो है, और जो हमारा मैदा है उसमें हमने सूजी और बेकिंग पाउडर मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे हम इसमें अभी बीच में जो अंडे हमारे फेंटे हुए थे, वो हम यहाँ पे इस तरीके से उसको ऐड करेंगे। हमको अभी पूरा ये नीड करना है, डफ बनाना है इसका, जो आटा जो हमारा है पूरा मिश्रण है, उसको नीड करके हम डफ बनाएंगे। तो हमने उसमें अभी जो दूध पाउडर है हमारा, मिल्क पाउडर, वो ऐड कर लिया, और हम इसको थोड़ा सा ये अभी पूरी एक इसमें मिक्स करते करते हम उसको नीड कर लेंगे। तो हमने पहले अंडे डाले इसमें, बाद में दूध पाउडर डाला, और जो पहले ये मैदा था उसमें हमने सूजी और बेकिंग पाउडर मिक्स कर रखा था। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही खस्ता अच्छी, बहुत ही मीठी, बहुत ही खस्ता और बहुत स्वादिष्ट डिश होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा शक्कर हमने पीस के रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे अभी, जो हमारी पीसी हुई शक्कर है वो हमने अभी इसमें ऐड कर लिया है। दोस्तों देखिए, अगर आप आटे में मिक्स नहीं कर पाते हैं सूजी वगैरह वो सब, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी हमने बेकिंग पाउडर डाल लिया, बाद में हम थोड़ा नमक भी डाल लेंगे इसमें। अगर आप पहले से मैदे में मिक्स नहीं कर पाते बेकिंग पाउडर, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। हमने अभी बेकिंग पाउडर डाल के नमक भी डाल लिया थोड़ा, इसको हम इस तरीके से उसको मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें डालडा, जो है हमारा डालडा ऐड करेंगे इसमें। हमने डालडा ऐड कर लिया। अभी इसको पूरे इस मिक्सचर को हमको गूंदना है इस तरीके से। इसको हमको बहुत नरम नहीं करना है, गूंद मिक्स करके हमने उसको गूंद लिया है इस तरीके से, हमको उसको बहुत नरम नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम उसको एक पतीले में रख के 1 घंटे तक ढक के रख देंगे। तो इस तरीके से हमने अभी आटा निकाल लिया है, अभी हम इसको गोल आकार में ऐसा इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमको इसकी रोटी बनानी है, इसलिए हमको इस तरीके से इसको गोल आकार में कर लेंगे, ताकि हमको इसकी रोटी बना सकें और उसको बाद में हमको कट करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको बना लिया है अभी गोल आकार में इस तरीके से। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे तब तक, और जो हमारे तिल है, तिल को हम इस तरीके से उस गोल जो आटे का गोले को उस तिल में इस तरीके से लगा लेंगे, और उसको रोटी की तरह बेल लेंगे, और
इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। जैसे आपको, जैसे आप देख रहे हैं उस हिसाब से आप कट कीजिएगा। देखिए हमने कट कर लिया और हम अभी और एक इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये बेसिकली हमारे खजूर के पीसीस हैं, ये तलने वाले हैं हम। जैसा हमारा तेल गर्म हो रहा है तो अभी हमने इसके इस तरीके से कट कर लिए इसको, और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको पीसीस निकाल लिए हमें, और हम अब वो पूरा पीसीस जो है हमारे तेल में ऐड कर लेंगे। जो हमने तेल गर्म किया था उसमें हम एक एक करके ये ऐड करते जाएंगे। दोस्तों जब हम पूरे पीसीस ऐड कर लेंगे तो एक मिनट तक उसको ऐसे ही रखेंगे, और हम जब ऐड करेंगे पीसीस वो पूरी आँच पे ऐड करेंगे, और उसके एक मिनट बाद आँच को धीमी कर लेंगे और इसको इस तरीके से घुमाते रहेंगे, ताकि क्योंकि इसमें शक्कर और दूध पाउडर है तो वो जल्दी पकते हैं, इसलिए हमको इस तरीके से इसको घुमाते रहना है और उसको अच्छी तरीके से कलर आने तक हम उसको पकाएंगे। जैसे कि उसको लाइट ब्राउन होना चाहिए जो पकने के लिए, वो बहुत ही खस्ता होते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उसको इस तरीके से पूरा हर चीज़ हर एक को घुमाते रहेंगे। और ध्यान में रखिएगा ये काला ना हो तो इसलिए। देखिए हमारे पूरे तरीके से तैयार हैं अभी ये, हम निकाल लेंगे इसको। हमारे खजूर बिल्कुल ही तैयार हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी खजूर की रेसिपी बिल्कुल ही तैयार है। आप ज़रूर इसको बनाइए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं ये। नीचे कमेंट्स में हमारे आप हमें सुझाव दीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसे लगे ये। इस रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों हमारे दूसरे रेसिपीज़ भी चेक कीजिएगा। इस रेसिपी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।